Hi guys, what's up? This is your mentor Pintu Kumar Gupta. Day start with a new video which is class 12 business studies. Aaj hai business studies ka video number 34 aur aaj ke is video mein hamara jo topic of discussion hone wala hai wo hai leadership. Ji haan, to chalo time ko waste na karte hue start karte hain aaj ki class. To baat karte hain leadership ki. Haan, ye baat bilkul hi sahi hai ki jo employees are the most important asset of any organization. और ये जो एम्प्लॉयज ही हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को गोल्स को अचीव करने में मदद करती हैं बट उनकी फुल पोटेंशियल को निकालने या बोले तो इफेक्टिव अगर बात करें उनके इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को निकालने के लिए बाहर लाने के लिए जो ज़रूरत है वो क्या है वो है एक अच्छा डायरेक्टिंग दूसरा मोटिवेशन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक लीडर की जो कहीं ना कहीं सबसे आगे में खड़े होकर बोले तो सबके सामने खड़े होकर के पूरे टीम को पूरे ग्रुप को लीड करते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं लीडर तो देन यहां से वो कॉन्सेप्ट निकल करके आया लीडरशिप तो लीडरशिप एक्चुअल में है क्या लीडरशिप ये एक आर्ट बोल लो ये एक प्रोसेस बोल लो जहां पे इन्फ्लुएंस किया जाता है बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑफ एनी पीपल इन अ ग्रुप सीधी सी बात यही है जहां पे क्या होती है देखो लीडरशिप is the activity of influencing people to strive willingly for group objective matlab kahin na kahin wo influence karti hai people ke behavior ko jo koshish karti hai hamesha ki kisi bhi tarike se group objective jo hai matlab organization ke jo objective hai wo complete ho jaye aur agar another sense mein samjhe to leadership is the art or process of influencing the behavior and performance of people in a group so that their efforts are directed towards achievement of goal matlab kahin na kahin dikh jata hai ki jo hamara jo objective wo ek direction mein chal raha hai kiske through with the help of leader am I clear bas fir kya hote hain dekho bahut sare leaders hote hain unka style alag alag hota hai ab kaise for example lete hain jaise bill gates sir ka naam lete hain microsoft theek hai ratan tata sir ka naam lete hain tata industry theek hai इस तरीके से अभी जो बात करते हैं हमारे मोस्ट रिनाउंडेड पर्सन आवर पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी सर देखो एक्चुअली जो लीडरशिप जो होती है ना लीडरशिप कहीं ना कहीं उस पीपल के बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि वो किस टाइप के लीडर हैं अब वो कैसे उनका एक्सपीरियंस कैसा है उनके एथिक्स कैसे हैं उनके बिहेवियर कैसे हैं उनका कल्चर कैसा है उनके सराउंडिंग कैसे हैं और उनके फॉलोअर्स कैसे हैं फॉलोअर्स का मतलब है जो उन्हें देख करके उन्हें फॉलो करते हैं तो इसी से ही पता चलता है कि किस तरीके का बिहेवियर वो अपनाएंगे और वो किस तरीके से अपने वैल्यूज को समझते हैं और एक लीडरशिप मतलब एक लीडर बन करके पूरे फॉलोअर्स को लीड करते हैं क्लियर है तो इसी के बेसिस में जो लीडरशिप के जो स्टाइल्स है वो तीन टाइप के होते हैं पहला क्या है पहला जो स्टाइल है वो है ऑटोक्रेटिक या बोले तो अथॉरिटेटिव ये क्या है देखो एक्चुअल में जो खुद की बातें सुनता है और खुद में ही रहता है यही है वो लीडरशिप स्टाइल जिसमें क्या होता है ये सारे चीज़ें अगर केस स्टडीज में देखने को मिल जाए समझ लेना कि भैया ये जो है वो ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप ही है क्या क्या है सबसे पहला डिसीजन मेकिंग पावर आर सेंट्रलाइज देखो जहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होता है ना वो एक ही जन डिसाइड करता है हाँ मैंने जो बोल दिया वही होगा उससे बाहर कुछ भी ना होगा मतलब समझ लेना यहाँ पे अपना अथॉरिटी दिखाया जा रहा है ये सबसे पहला स्टाइल ऑफ लीडरशिप है क्लियर दूसरा इसका फीचर्स क्या होंगे मतलब समझना है कि स्टडीज में लीडर्स गिव ऑर्डर एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड मतलब जो लीडर होंगे वो जो ऑर्डर देंगे और उस पर पूरा फोकस करेंगे वो पूरा जोर जबरदस्ती लाएंगे उनका ऑर्डर जो है वो ओबे किया जाए मतलब माना जाए देन द नेक्स्ट वन इज मेक्स पॉलिसीज विदाउट कंसल्टिंग ग्रुप मेंबर ना उन्होंने जो पॉलिसी जो प्लान्स बना दिए हैं वो ग्रुप मेंबर से कंसल्ट नहीं करेंगे जो उनका किया है उन्हीं में वो संतुष्ट है और उसी से वो काम करवाएंगे बस सिंपल सी चीज़ें हैं देन लास्ट वन डज नॉट आस्क फॉर फीडबैक उन्हें किसी के भी फीडबैक की ज़रूरत नहीं है उनके काम के पीछे जो भी उन्हें कुछ उन्हें कुछ मतलब नहीं है उन्होंने जो अपना बात बोल दिया वो करवा कर ही मानेंगे बात समझ में आ गया ये है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ लीडरशिप की या बोले तो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की ये
दोस्ती वाला है लीडरशिप। क्या है इसमें, जो भी काम होगा, जो भी लीडर होंगे, वो कुछ भी चीज़ करेंगे वो कंसल्ट करके करेंगे अपने फॉलोअर्स से, या बोले तो ग्रुप के मेंबर से। क्या है, देखो, डिसीजन मेकिंग पावर इज शेयर्ड बिटवीन ग्रुप मेंबर। जैसा कि नाम से ही पता चला जा रहा है कि ये एक पार्टिसिपेटिव या बोलो तो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। पार्टिसिपेटिव मतलब सारे लोग मिलकर के पार्टिसिपेट करेंगे एक काम को करने में। क्लियर है? तो डिसीजन मेकिंग पावर इज शेयर्ड बिटवीन ग्रुप मेंबर। क्लियर? नेक्स्ट, डिसीजन और पॉलिसीज आर फाइनलाइज्ड विद एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल मेंबर्स। मतलब कोई भी डिसीजन और कोई भी पॉलिसी होंगे वो फाइनलाइज तभी किया जाएगा जब सारे मेंबर्स का एक्सेप्टेंस या बोले तो मंजूरी हो। क्लियर? नंबर थर्ड इज बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी द ग्रुप मेंबर्स आर इन्फॉर्म्ड। देखो अब क्या होगा, अब मान लो कोई भी काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, अब कोई भी काम करने से पहले सारे लोगों को बोल दिया जाएगा कि भाई अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, लीडर सबको इन्फॉर्म कर देंगे क्योंकि सबको पार्टिसिपेट करना है कोई भी काम करने में। इसीलिए तो इस स्टाइल का नाम हुआ है ना पार्टिसिपेटिव या बोले तो डेमोक्रेटिक। क्लियर? अब जो लास्ट जो है वो है फ्री रेन, खुला छूट, फ्री रेन और लेजर्स फेयर। ये एक्चुअल में लेजर्स फेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी के काम में, जो जिसकी मर्जी वो करे। क्लियर? नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर। बस इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर जाए ना, ऐसा नहीं है। जो देखो, जो काफ़ी बोले तो एक्सपीरियंस स्टाफ होते हैं, जो काफ़ी स्किल्ड स्टाफ होते हैं, उनको कुछ की ज़रूरत नहीं होती, बस उनको सिर्फ काम दे दिया जाता है, डेलीगेट कर दिया जाता है, वो खुद ब खुद कर लेते हैं। लीडर को उन पे फुल कॉन्फिडेंट होता है, इसलिए वो ये स्टाइल या बोले तो ये टेक्निक ऑफ लीडरशिप अपना लेते हैं। इसमें क्या होता है, लीडर्स अलाउ वर्कर टू वर्क एज पर देयर चॉइस एंड कॉम्पिटेंस। लीडर जो क्या करते हैं, वर्कर को अलाउ कर देते हैं, करो जो तुम्हें समझ में आए, जिसमें तुम योग्य हो, जिसमें तुम कॉम्पिटेंस हो, जिसके लिए तुम एबल हो, वो काम करो। बात क्लियर? नेक्स्ट है, लीडर प्लेज द रोल ऑफ एन ऑब्जर्वर हु गिव्स सजेशंस और एडवाइस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। सिर्फ वो देखेंगे लीडर्स, अच्छा क्या कर रहे हैं फॉलोअर्स, सिर्फ उन्हें देखना है और ज़रूरत पड़ने पर वो या तो एडवाइस देंगे या उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ सजेशंस और एडवाइस ज़रूरत पड़ने पर ही दे सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, काम होना ही है। क्योंकि सारे क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ्स होते हैं ना, तो इसमें इस तरीके से लीडर्स फेयर, ये जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप अपना ली जाती है। बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये जो सारा लीडरशिप का टॉपिक है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है कम्युनिकेशन। सर हम लोगों ने डायरेक्टिंग पढ़ लिया, हम लोगों ने मोटिवेशन कर ली, हम लोगों ने लीडरशिप के स्टाइल को देख लिया और लीडर क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया। अब ये सब कुछ बेकार है अगर नॉलेज है और उससे अगर कन्वे नहीं किया जा रहा है, मतलब सामने वाले को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जा रही है, तो वो कम्युनिकेशन या बोले तो क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बेकार है। तो ये क्या है, अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो क्या है, वो कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन है, जहाँ पे मैंने बोर्ड में सारा कुछ क्रिएट करके रखा है और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा हमारे बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी, यही तो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन खुद में बोलती है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, थ्रू विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्रिएट करके रखा हुआ था, अब शेयर हो रहा है, जिससे हम लोगों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, बस यही तो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट जो एलिमेंट्स जो है वो हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो उसे हम लोग बस स्लाइटली पढ़ के निकल जाएंगे। देखो जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं ना, बस उसी को सिर्फ यहाँ पे चिपका दो, हमारा जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। सोचो अब मान लो तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को बोलना है, क्या होगे, तुम क्या होगे उस जगह में, अपने आप को रखो सेंडर ना रिसीवर, सर सेंडर, बस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट ही होती है सेंडर के काम से। सेंडर क्या करता है, सेंडर क्या है, सबसे पहले ये समझो, सेंडर हु कन्वेज थॉट्स और आइडियाज टू रिसीवर। मतलब यहाँ जो है जो चल रही है वो कन्वे करना है अपने थॉट्स एंड आइडियाज को रिसीवर को, किसी
सेकेंड पार्टी को, क्लियर। अब वो क्या करेगी, वो क्या कन्वे करेगी, कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे करेगी। तो सेंडर मैसेज कन्वे कर रही है, देख लो एलिमेंट्स मैसेज कन्वे की, क्लियर। तो मैसेज क्या है, ये एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसपे बात होगी वही तो है सब्जेक्ट मैटर, वही तो है मैसेज, टेक्स्ट करते हैं ना व्हाट्सएप, क्लियर। तो ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, अरे सर व्हाट्सएप में तो इमोजीज भी आते हैं, बिल्कुल इमोजीज बोलो, पिक्चर्स बोलो, सिंबल्स बोलो, इसे क्या, ये ऐसे थोड़ी होता है, ये कहीं ना कहीं इनकोडिंग होता है, इसे अपन लोग बोलते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है, इनकोडिंग मतलब कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल। जो मैसेज अपन को बोलना है लव, ओके हा हा हा, ये इमोजीज व्हाट इज दिस, ये तो कहीं ना कहीं एक इनकोडिंग है ना, जो हम लोग किसी सेकेंड पार्टी को बोलना चाह रहे हैं उसे अपन लोग इनकोड करके दे रहे हैं इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन सिंबल, इसे अपन लोग बोलते हैं इनकोडिंग। तो अब क्या होगा, ये इनकोडिंग जो होगा, मतलब मैसेज क्या हो गया, ये इस प्रोसेस का पार्ट है जहां पे इनकोडिंग होता है, इनकोडिंग इनकोड हो रहा है मैसेज। अब इनकोड जो हो रहा है वो जाएगा एक रास्ते से जाएगा, मतलब वो है एक मीडिया, बोलो पाथ, कुछ भी बोल लो, नेक्स्ट वन इज मीडिया, पाथ चैनल और मीडियम थ्रू विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। जो इनकोडेड मैसेज है वो जा रही है एक मीडिया से, एक पाथ से, एक कम्युनिकेशन लिंक से, क्लियर। तो उसे अपन लोग बोलते हैं मीडिया, ठीक है सर। अब मीडिया जिस तरीके से जा रही है, रास्ते 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 में है, अब वो क्या होगी, वो रिसीवर तक पहुंचेगी, ये रास्ता है, बट रिसीवर तक पहुंचेगी तो हमारे पास जो सेंडर ने जो कम्युनिकेशन सिंबल भेजा है वो हमारे फ़ोन में दिख जाएगा। अगर जो नहीं तरीके से दिखेगा, मतलब वो सही तरीके से डिकोड नहीं हुआ है, उसे अपन लोग बोलेंगे डिकोड। तो डिकोड का मतलब क्या है, डिकोड का मतलब है जो इनकोडेड मैसेज है उसे कहीं ना कहीं हमारे पास हमारे स्क्रीन में रिवील किया जा रहा है, ठीक है। तो डिकोडिंग कन्वर्टिंग इनकोडेड सिंबल ऑफ द सेंडर, मतलब जो इनकोड करके सेंडर ने हमें भेजा है उसे कन्वर्ट करके डिकोड किया जा रहा है, मतलब हमें दिखाया जा रहा है, तो उसे अपन लोग बोलते हैं डिकोडिंग। याद रखना, मतलब मीडिया इस प्रोसेस से होकर, जो ये प्रोसेस है यहां पे होकर के क्या हो रहा है, यहां पे डिकोडिंग हो रहा है, डिकोडिंग। अब डिकोडिंग हो गया तो रिसीवर के पास अल्टीमेटली मैसेज पहुंच गया। अब जब पहुंच गया तो अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर जब समझ गया तो उसे तुरंत रिएक्ट करके यहां से तुरंत गया सेंडर के पास, क्या गया सर, गया फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या है, प्रोसेस थ्रू विच रिसीवर एक्सप्रेस हिज और हर रिएक्शन टू सेंडर, उसे जो भी समझ में आया यहां से रिप्लाई चला गया, जिसे अपन लोग बोलते हैं फीडबैक, क्लियर। फीडबैक हो गया। सर ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी कुछ सिंबल्स दिखते नहीं है या कुछ मैसेज हमें समझ में नहीं आते, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, हिंड्रेंस होते हैं, जो कहीं ना कहीं ये मैसेज को रुकावट देती हैं, इसे अपन लोग बोलते हैं नॉइस। याद रखना, तो नॉइस या तो इस प्लेस में चिपक जाए या तो इस प्लेस में चिपक जाए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो कहलाती है नॉइस। क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस विच हैम्पर्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रही है इसके बीच में जो भी आ जाए, जिससे जो सेंडर है वो रिसीवर को अपनी बात ना पहुंचा पाए, उसे ही हम लोग बोलते हैं नॉइस। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था, कम्युनिकेशन के एक टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ, स्टे विथ मी, थैंक यू।